11 है आपका, 11 में समुच्चय पढ़ाया जा रहा था। और समुच्चय देखिए, समुच्चय में आपका 1D चल रहा था, प्रश्नावली 1D है। और 1D में देखिए आपको कुछ सवाल भी बताए गए थे, और इसमें आपका जो है प्रश्नावली का जो प्रश्न आपका 9 है, ये आपका देखिए दिया गया है यहाँ पर। कॉलेज की फुटबॉल टीम के समुच्चय ए हैं आपका, देखिए इसमें लिखा गया है कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय, फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय है यहाँ पर, सदस्यों का समुच्चय ए है। और हॉकी के टीम के सदस्यों का समुच्चय आपका बी दिया गया है, फुटबॉल और हॉकी दिया गया है। इसमें दो टीम है, एक फुटबॉल है एक आपका हॉकी दिया गया है। आपका फुटबॉल के सदस्यों का समुच्चय ए दिया गया है, और हॉकी के सदस्यों का समुच्चय हमारा क्या दिया गया है, बी दिया गया है। तो आपको देखिए नीचे दिया गया है, यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हो तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हो, फुटबॉल में भी 11 हो और किस में हो, हॉकी में भी 11 हो, तो आपका कह रहा है कि ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे। यदि आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, तो आपका समुच्चय ए का कोई भी खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, तो हमारे पूरे टीम में कितने खिलाड़ी है, ए यूनियन बी का मान कितना होगा, तो आपको यहाँ बता दे रहे हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, यह आपका किताब में भी दिया गया है और यहाँ पर भी लिख दिया गया है ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मिटा दे रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। यहाँ पर आपका देखिए ए यूनियन बी ज्ञात करना है तीनों में। देखिए आपका दिया गया है समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, तो आपको बताया गया है कि प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होने चाहिए, आपके 11-11 खिलाड़ी होने चाहिए। तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो जो ए में भी हो बी में भी हो, वह आपका दिया नहीं है, तो आपके समुच्चय ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मान आपका हो जाएगा क्या, यानी कि आपका यह देखिए समुच्चय यानी कि आपका जो दिया गया है यहाँ पर नंबर ऑफ ए होना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप इसको जोड़ देते हैं, देखिए 11 प्लस 11 कितना हुआ, 22 खिलाड़ी हो जाएगा। देखिए यह आपका देखिए ए यूनियन बी का मान कितना आ जाएगा, कुल आपके 22 खिलाड़ी होंगे। ए पहले प्रश्न का आपका उत्तर है ए यूनियन बी में, यदि समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, तो आपके पूरे कितने होंगे, 22 खिलाड़ी होंगे, जो आपका है न तो ए में है न तो बी में है आपका। इसके बाद देखिए दिया गया है दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, देखिए हमारा यह पहला हो गया। उसके बाद दूसरा दिया है समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं, जो 4 खिलाड़ी हैं वह समुच्चय क्या हैं, बी के भी खिलाड़ी हैं, तो कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए और प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइनस क्या देते हैं, देखिए 4 खिलाड़ी दोनों में है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों में से घटा देते हैं। तो आपका इंटरसेक्शन देखिए दोनों में होते हैं जो 4 खिलाड़ी, उसको हम दिखा देते हैं, यह आपका 11 प्लस 11 और माइनस क्या है, 4 खिलाड़ी आपके कितने हैं, दोनों में हैं, तो आपका देखिए इसको हम 22 और 22 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 18। तो आपके देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं, तो आपका देखिए कुल खिलाड़ियों की संख्या ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, हमारे 18 खिलाड़ी हो जाएंगे आपके, जब हमारा प्रश्न क्या हो, समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। आपका तीसरा प्रश्न देखिए, जो हमारा तीसरा दिया गया है यहाँ पर देखिए, समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। देखिए प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं,
तो वह कह रहा है देखिए समुच्चय एक है, एक क्या है फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय है और बी हमारा देखिए हॉकी के खिलाड़ियों का समुच्चय है। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं, 11 हैं। तो वही कह रहा है समुच्चय ए के सारे खिलाड़ी यानी समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यानी तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, जो आपके 11 खिलाड़ी दिए गए वही आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी में हो जाएंगे। देखिए ये आपका देखिए प्रश्न जो दिया गया है इसका सारा मान आपका यहाँ पर है। आपके पहले प्रश्न में आपका जब ए का कोई भी खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है तो आपका मान कितना आया, 22 है। जब क्या है समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं तो हमारे सदस्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ गया है। और जब समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी है तो हमारे खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्या, आपका दिया गया है देखिए जो 8 नंबर दिया गया है वही आपका प्रश्न 10 में दिया गया है, वही आप क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो दिया गया वही 10 है, आप उसको लेकर भी लगा सकते हैं या तो कुछ और उसके मान पर स्थान पर रख कर लगा सकते हैं। देखिए इसके बाद आपका दिया गया है 10 11 हो जाएगा आपका। देखिए पी एक समुच्चय दिया गया है, क्यू एक समुच्चय दिया गया है, पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है। तो आपका देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू निकालना है, पी इंटरसेक्शन का मतलब प्रच्छेद निकालना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है आपका है, या आपका देखिए यह मान कितना आ जाएगा आपका, कॉमन ले लेते हैं। देखिए आपका है कोई कॉमन मिल रहा है, बी मिल रहा है और डी मिल रहा है, आपका देखिए बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, यह आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। प्रश्नावली 1D का आपका 11वां नंबर सवाल दिया गया है, 11 है। इसके बाद देखिए 12 में भी आपका वही पूछा है, 12 में आपका देखिए यह भी आपका है, 12 में आपका दिया है ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो कॉमन बनता है देखिए आपका 1 कॉमन बनता है और 4 कॉमन बनता है, और देखिए 1 और 4 यह आपका 1 और 4 हो जाएगा, या देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 12 हो गया है। इसी तरह देखिए आपका 13 में दिया गया है, प्रश्न 2 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया गया है, प्रश्नावली का 2 आपको बताया गया है, या आपका इसमें वही प्रश्न पूछा है तो आपको इसको लगा लेना है। आपका देखिए 14 नंबर जो सवाल दिया गया है उसको हम बता दे रहे हैं एक सवाल, और उसके बाद सारे सवाल आप लोग लगाइएगा। देखिए इसमें दिया गया है हमारा समुच्चय ये दिया गया है क्या है, 0, 1, 3, 5 दिया गया है, और समुच्चय बी आपका दिया गया है क्या, 1, 2, 4, 7 दिया गया है। सी आपका समुच्चय दिया गया है क्या है, 1, 2, 3, 5 और देखिए 8 दिया गया है। और इसमें देखिए कई सवाल दिए गए हैं आपके, इसमें आपका दिया गया है जैसे पहला सवाल दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, ये आपका है। दूसरा सवाल हमारा दिया गया है देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल दिया गया है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी दिया गया है। तीसरा आपका सवाल दिया गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल दिया गया है आपका ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन आपका दिया गया है बी इंटरसेक्शन सी, यह आपका है। चौथा सवाल आपका दिया गया है यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी
आपका इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। यह आपका सवाल चार दिए गए हैं और चारों को आपको क्या है मान ज्ञात करना है, तो आपका यह समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि हम पहला सवाल बता दे रहे हैं। देखिए आपका पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन क्या निकालना है, बी निकालना है, इंटरसेक्शन सी निकालना है। आपका यह इक्वल किसके होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या, इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, तो इंटर उभयनिष्ठ आपका क्या मान होता है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए दिया गया, यहाँ पर बी दिया गया, उभयनिष्ठ मान क्या है, देखिए वन है, वन ले लेते हैं, और क्या है, टू दिख रहा है, नहीं है, फोर फाइव आपका सेवन दिख रहा है, नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा मान कितना जाएगा, वन आ जाएगा। आप क्या करते हैं, यह इंटरसेक्शन सी के साथ निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन किसके निकालते हैं, सी के साथ निकालेंगे, तो हमारा देखिए यह आपका वन है, तो वन ही आपका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना आया, वन आया। आप क्या करते हैं, राइट साइड में हमारा दिया गया है, देखिए राइट साइड में आपका मान दिया गया है, बी इंटरसेक्शन क्या निकालते हैं, सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, देखिए बी आपका यहाँ पर है, तो कॉमन बन गया वन, वन कॉमन ले लेते हैं। आपका देखिए टू भी कॉमन है, टू भी कॉमन ले लेते हैं। आपका इसके बाद देखिए यह जो बी इंटरसेक्शन सी आया है, किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, ए के साथ निकालना है, प्रच्छेद ए के साथ निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए कॉमन क्या बनता है, वन बनता है, तो यहाँ पर हम वन ले लेते हैं। यह देखिए आपका जो यह मान दिया गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो गया आपका किसके, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो आपका यह सिद्ध हो गया। इसी तरह देखिए आपका आपका जो दूसरा सवाल दिया गया है इसको आप लोग लगाएंगे, तीसरा आप भी लगाएंगे, चौथा हम आप लोग को बता दे रहे हैं। चौथे में आपका क्या है, देखिए चौथा आपका सवाल दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इक्वल होना चाहिए किसके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन क्या होना चाहिए, बी के हमारे बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं सी। ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन बनता है, देखिए जीरो है, नहीं है, वन देखिए वन तो है, वन तो कॉमन हो गया, और इसके बाद देखिए थ्री यहाँ पर दिख रहा है, तो थ्री वहाँ पर भी है, देखिए थ्री भी कॉमन हो गया। आपका देखिए फाइव दिया है, तो फाइव वहाँ पर भी है, तो आपका यह फाइव, हमारा ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना आया, वन थ्री फाइव आ गया। इसके बाद हम इसका यूनियन निकालते हैं किसके साथ, बी के साथ हम यूनियन निकालते हैं, तो हमारा क्या मान प्राप्त होता है, तो हमारा देखिए बी के साथ जब यूनियन निकालते हैं तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। बी के साथ निकालते हैं तो क्या होता है, बी के अवयव जो होते हैं उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी के जो अवयव होते हैं, या तो दोनों के अवयव होते हैं, तो इसको हम क्या लेते हैं, एक समुच्चय के रूप में लिख लेते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर बी के साथ निकाल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एक तीन चार, एक तीन यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार पाँच और सात हो गया। यहाँ पर देखिए एक दो यहाँ पर है, दो ले लेते हैं, तीन है, तीन लिए, चार लिए, और पाँच यहाँ पर दिया गया है, और सात दिया गया है। आपका क्या हो गया, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी का हमारा जो मान आया हुआ वन टू थ्री फोर फाइव और सेवन आ गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी हमारा क्या मान आता है, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, ए के साथ हम यूनियन निकालते हैं, तो आपका देखिए जीरो हो जाएगा, और देखिए वन हो जाएगा,
उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यह आपका देखिए 0 ए यूनियन बी का मतलब ए के भी अवयव हों, बी के भी अवयव हों, ए और बी दोनों के अवयव हों तो आपका क्या होता है ए यूनियन बी हो गया। तो यहाँ पर देखिए किसके साथ, अब देखिए सी यूनियन बी निकालते हैं, सी यूनियन क्या निकालेंगे बी निकालते हैं, सी यहाँ पर आपका दिया गया है यहाँ पर और बी यहाँ पर दिया गया है तो सी यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या माना गया 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 7 और 8 हो गया। अब यह देखिए जो माना गया है उसके उसको हम क्या करते हैं किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, यह आपका जो ए यूनियन बी के साथ हमारा इंटरसेक्शन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी हो जाएगा। कितना आपका देखिए जो कॉमन बनता है आपका देखिए इसमें 1 कॉमन बनता है, 1 2 भी कॉमन बनेगा, 3 भी कॉमन बनेगा, 5 भी बनेगा और 7 भी बनेगा आपका। यह देखिए यह मान जो आया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी का मान 1 2 3 आपका देखिए 4 नहीं दिया गया है, यहाँ पर 4 है, 4 हो गया आपका देखिए 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, इसके बाद देखिए आपका दोनों मान क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी का मान और क्या होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन क्या होना चाहिए बी के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो ये आपका मान हो गया। इसके बाद आपका देखिए जो हमारा दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 15 में आपका सवाल दिया गया है यदि ए और आपका दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, बी बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। तो यह देखिए आपका 15 नंबर जो सवाल दिया गया इसको आपको पहले बता दिए हैं, आपका देखिए 16 नंबर जो सवाल दिया गया है ए हमारा दिया गया है और इसमें देखिए 16 नंबर सवाल आपका देखिए 14 जो आपका दिया गया अभी अभी बताए हैं वह इसके क्या है इक्वल है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपका 17 नंबर जो सवाल दिया गया इसको बता दे रहे हैं, आपका 17 में दिया गया है आपका देखिए एक समुच्चय दिया गया है ए हमारा क्या है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है बी हमारा दिया गया है देखिए यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है देखिए तीसरा सी हमारा दिया गया है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है तथा डी हमारा दिया गया है कि यक्स सच दैट यक्स अभाज्य संख्या है। यह आपका देखिए दिया गया है और आपको ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन डी बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी सी इंटरसेक्शन डी। यह देखिए एक सवाल हम आप लोग को बता दे रहे हैं इसके बाद सारे सवाल आप लोग लगाइएगा। यहाँ पर देखिए यह आपका जो दिया गया है यह आपका देखिए किस रूप में लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है और यह भी आपका समुच्चय निर्माण सारे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, इसको हम किस रूप में लिख लेते हैं रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका आप लोग को बताया गया है, यहाँ पर देखिए यक्स एक प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आपका यह मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे में आपका बी हमारा समुच्चय दिया गया है कि यक्स सम प्राकृत संख्या है, सम का मतलब हो गया क्या आप लोग को बताया गया है 2 4 6 8 10
आपका यह आपका संप्राकृत संख्या हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम आप लिख संख्या लिख लेते हैं 1, 3 आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और डॉट डॉट आपका यह मान दिया गया है। इसके बाद देखिए इसमें अभाज्य संख्या की बात कहा है, अभाज्य संख्या भी आपको बताया गया है। अभाज्य संख्या में 2 आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 डॉट डॉट आपका यह अभाज्य संख्या हो गया है। आप देखिए सारे मान आपके आ गए हैं, समुच्चय ए का मान भी आपके रोस्टर रूप में आ गया, समुच्चय बी के भी मान आपके रोस्टर रूप में आ गए हैं, समुच्चय सी के भी मान आपके रोस्टर रूप में आ गए हैं, समुच्चय डी के भी मान आप आ गए हैं। इसके बाद देखिए ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना हो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए आपका यह देखिए जो कॉमन बनता है यह 2 आपका 4 आपका क्या है 6, जो हमारा सम संख्या होगा वही प्राप्त होगा, 2, 4, 6, 8 यह आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह आपके क्या हैं सारे सवाल हैं, आप लोग क्या करेंगे इसको लगाएंगे।